हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मोर आपके यूट्यूब में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एवं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट LDC का पेपर। ये पेपर GDC के लिए भी है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। मेरा वीडियो यदि सभी पेपर सेट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, जैसे स्टेशन मास्टर, जनरल नॉलेज, GK, संटिंग मास्टर का क्वेश्चन, किसी न किसी डिवीजन का पेपर सेट है जिसमें आपको 110 का सेट मिलेगा। इसमें आपको प्लेलिस्ट में कम से कम 250 सेट आपको मिलेंगे देखने को। GK का सेट प्लेलिस्ट में अलग से बना हुआ है, वह लगभग 10 सेट का होगा। GK का है जो LDC और GDC दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, पेपर में चलते हैं, क्या पूछा गया है। ये जून 2023 का पेपर था। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी अधिकतम अवधि के लिए ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो नोवाक जोकोविच है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। कौन सा टेनिस खिलाड़ी अधिकतम अवधि के लिए ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय एथलेटिक को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, तो PT उषा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और इसमें दो ऑप्शन और दिए गए हैं। ये हिमा दास, हिमा दास जो हैं, PT उषा के बारे में पहले जान लेंगे। PT उषा क्या है, केरल की रहने वाली है, केरल की रहने वाली है, और जिस जिला में वो रहती हैं वो है आपका, कि PT उषा के बारे में, एक केरल की रहने वाली थी और जिला था कोझिकोड की। ये 3 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हिमा दास के बारे में जान लेते हैं। हिमा दास जो थी, ये 19 जनवरी 2000 में महिला स्पर्धा में भाग लिया था, और इनका उपनाम भी, वो उपनाम पूछा जाता है, उपनाम डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये असम की रहने वाली है, ये महिला दौड़ खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, ये है, कौन है, दूती चंद, दूती चंद के बारे में जान लेते हैं। ये 3 फरवरी 1996 में, देखो हिमा दास 9 जनवरी 2020 में उपनाम डिंग एक्सप्रेस, असम के डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये असम की रहने वाली है और ये आपकी है दूती चंद, 3 जनवरी 1996 10 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी थी। PT उषा केरल की रहने वाली है, कोझिकोड की है, और 3 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिस्पर्धा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी BCCI का अध्यक्ष रह चुका है? तो सौरभ गांगुली रह चुके हैं, ये आपका 3 साल तक थे, 3 आवर तक थे, और ये 2019 से 2022 के बीच में थे। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ब्राजील ने जीता था। लिखा, फुटबॉल में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ब्राजील ने। कब कब जीता था? 1958 में जीता था, 1962 में, 1970 में, 1994 में और 2002 में, 5 बार जीत हासिल की। अर्जेंटीना ने 5 बार फाइनल में पहुंची थी, 5 बार फाइनल में पहुंची थी और 3 बार जीत हुआ था, 3 बार जीत हुआ था। और ये जीत था 1978 में जीती थी, 1986 में और 2022 में। फ्रांस 1930 में जीता था, पहली बार जीता था। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन,
लिखा, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो ये आपके थे अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं, सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित। और सुशील कुमार जो हैं बीजिंग में 2008 में तीसरे स्थान पे थे, 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था और 2008 में कांस्य पदक। 2008 में सुशील कुमार के बारे में बता रहे हैं, 2008 में कांस्य पदक जीता था, 2012 में रजत पदक। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज है, सुनील लोहा कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लिखा विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका बॉक्सिंग से है, बॉक्सिंग से ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बनाए गए शतकों की संख्या कितनी है? 100 है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये संन्यास लिए थे 2000, संन्यास 2013 में संन्यास लिए थे, और ये 24 साल तक अपना वर्ल्ड कप खेले थे, 24 साल तक क्रिकेट खेले थे और 200 टेस्ट मैच खेले हैं सचिन तेंदुलकर, 200 टेस्ट मैच खेले हैं। आईपीएल से 16 नवंबर 2016 में संन्यास ले थी, आईपीएल से 16 नवंबर 2016 में संन्यास ले लिए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ईरानी ट्रॉफी निम्न से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत द्वारा हॉकी में अब तक जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? 8 है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद बटरफ्लाई निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? तो लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये लोग सभी करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं हो सकता है? तो इसमें तो ये कोई नहीं है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित संसद की किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें है 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है? तो कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 15 है, राज्यसभा में 7 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था? तो ये था आपका क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब बना था? तो 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट कब बनी थी? 27 मई
27 मई 1930 में रॉलेट एक्ट कब बना था? 26 जनवरी 1919 को। और क्रिप्स मिशन, भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव किया था, भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल राज्य का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 1905 में अंग्रेजों द्वारा फूट डालो शासन करो नीति अपनाया था। 1906 में क्या हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1911 में क्या हुआ था? कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था 1911 में। 1906 में 30 दिसंबर 1906 में बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1905 में अंग्रेजों द्वारा फूट डालो शासन करो नीति अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1868 में 69 में जन्म हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, ए ओ होम के द्वारा। अठारह सौ नवासी ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा पराजित गांधी के उम्मीदवार कौन थे? तो पट्टाभ सीतारमैया थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कब हुई? अब्दुल कलाम आजाद का 11 नवंबर 1888 में हुआ था और 22 फरवरी 1958 को प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, प्रथम बार शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था लड़ाई, मीर कासिम के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर की। ऑप्शन नंबर पहला सही है। शासनकाल हुआ था इनका, शासनकाल 1556 से 1605 तक हुआ था अकबर का। बाबर हुमायूं दो बार शासन किया था, 1530 से 1540 और 1555 से 1556, दो बार शासन किया था। यहाँ एक चीज बता दें, 1538 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, 1531 में देवरा युद्ध हुआ था, 1538 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 को बेलग्राम युद्ध हुआ था,
1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। कब बना था? 17 अगस्त 1947 को। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानसून भारत में अधिकांश वर्षा में योगदान करता है। निम्नलिखित मानसून भारत में अधिकांश वर्षा में योगदान देता है। तो दक्षिणी पश्चिमी। ऑप्शन नंबर पहला सही है। दक्षिण पश्चिम से आता है मानसून। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशनी पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो ये कल्पक्कम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। कल्पक्कम कहाँ पर है ये जान लीजिए, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में, कांचीपुरम जिले में। नरोरा बुलंदशहर जिला में, यूपी के बुलंदशहर जिला में, बुलंदशहर जिला में। रावतभाटा राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। ये 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। एक तारापुर परमाणु संयंत्र यूएस की सहायता से बनाया गया था। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना यूएस की स्थापना सहायता से बनाया गया था। ये महाराष्ट्र में पालघर जिले में स्थित है, जिले में है, 1969 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ये तीनों नहीं निकलती है, कावेरी गोदावरी कृष्णा, ये तीनों नहीं निकलती है। कौन पश्चिमी घाट से निकलती है? तो वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट की सहायक नदियां जो है वो आपका है, पश्चिमी घाट की सहायक नदी है तुंगा है, भद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती और कामिनी, काबिनी, ये नदियां हैं। नेक्स्ट, जब भारत में इलाहाबाद में दोपहर हो रही है तो ग्रीन बीच लंदन में समय क्या होगा? तो 6:30 बजेंगे। भारत का समय ग्रीन बीच मानक समय रेखा से 5 घंटे 30 मिनट है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हीरा ग्रेफाइट को मिलाकर क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एलोट्रोप्स। ऑप्शन नंबर पहला सही है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के तिरुवनंतपुरम में है। सी.वी. रमन जो किए थे 20 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया था। और एच.जे. भाभा ने जून 1948 को अजीत कुमार मोहिनी 1948 में थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष के एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा जून 1948 में बने थे। इस समय अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आप अजीत मोहनी हैं, 19 अप्रैल 2023 को बने हैं। सी.वी. रमन 20 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज किया था। यहाँ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अध्यक्ष कौन है? तो ये है उन्नी कृष्ण नायर, नायर हैं, जो 7 फरवरी 2022 को बने थे, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। लॉर्ड क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी।
लॉर्ड क्लाइव ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की थी? कब? 1725 से 1764 74 तक उनका शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी जो था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का गवर्नर जनरल था, जो 1848 से 1856 तक शासन किया था। और इन्होंने 16 अप्रैल 1853 में रेल की नींव रखी थी, रेल की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए में है। ऑप्शन नंबर पहला से कनाडा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वुड बफेलो है। कनाडा का सबसे बड़ा उद्यान है वुड बफेलो है। और रूस का अगर पूछा जाएगा तो वेरिंगिया है, वेरिंगिया है। भारत का सबसे बड़ा उद्यान पूछा जाएगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, अगर भारत का पूछता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो यह है पीसी महालनोबिस ने किया था। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, कोलकाता में है। और वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर बिमल कुमार राय है, बिमल कुमार राय है। आल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसने इंडोनेशिया के लिम सुई किंग को हराया था। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, जो हरियाणा की रहने वाली है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अकबर हेमू 15 नवंबर 1556 में लड़ा गया था, 5 नवंबर। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था, पानीपत की तीसरी लड़ाई। किसी प्रकार की मिट्टी का पीएच मान 10 हो यह मिट्टी कहलाता है? तो ये होता है क्षारीय। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। 7 से ऊपर अगर पीएच मान तो हो जाएगा आपका क्षारीय, क्षारीय है। 7 से नीचे है तो अम्लीय है। अगर 0 है तो उदासीन है। शुद्ध जल का पीएच मान अगर पूछा जाएगा तो 7 पीएच है शुद्ध जल। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा चोटी है। हिमाचल प्रदेश में शिल्पा है, सिल्ला है। और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हैं, नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में कौन सा पार्क स्थित है? तो गोरू मारा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड के कौन कौन से हैं उद्यान? जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में कोकिंग कोल एक महत्वपूर्ण इनपुट होता है? तो आपका स्टील बनाना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म RRR के निर्देशक कौन है जिसके गाने में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो ये था SS राजा मौली थे। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ये कर्नाटक के मशहूर जिले के तेलुगु परिवार से थे। ये भारतीय फिल्म निर्देशक तथा पटकथा लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में ट्रेन से 2.5 घंटे से कम समय में होने वाली यात्रियों के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी किसे कहा जाता है? तो ये आपके होते हैं मैट्रिक स्तर की परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण की हो। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो ये आपका अंग्रेजी नेपाली है। ये 1992 में ऐड हुआ था और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? तो रेलवे विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकें लिखना। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा की कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 20 होते हैं, राज्यसभा में होते हैं 10, टोटल होते हैं 30। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 9 धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो होते हैं महाप्रबंधक। अगर डिवीजनल में पूछा गया तो DRM होंगे। अगला क्वेश्चन है, के सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध है, दूसरा प्रवीण है, तीसरा प्राज्ञ है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है? तो प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। संविधान के अनुसार संविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो विधि मंत्रालय करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्गों के लिए। ऑप्शन नंबर, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय में गठित की जाती है? तो सभी मंत्रालय में। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 10,000 रुपये प्रथम पुरस्कार 10,000 है, दूसरा पुरस्कार आपका सेकेंड 8,000 का होता है, और तीसरा पुरस्कार होता है आपका 6,000 का। इस तरह से 155 क्वेश्चन समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।